गोविंदाय नमः। आम सिद्धार्थ भक्तिर नुआ कार्यक्रम महाशक्ति सावित्रीर ए पुण्य गणा को आपण मानक स्वागत आज्ञा। सती तो सती पुणी महाशती एवं एमितिया सती देखा नथिला केबे कही सुनी नहंती जानी नहंती। आपण माने केबे सुनी चंती आज्ञा गोटे लोक मरीगला परे पुणी बंचिव एटा संभव पुणी जम निजे आयुष फेरई देबे जे कि मृत्यु देवता संभव हेछि एकथा आपण माने मध्य जानंती आज्ञा। ये सावित्री व्रतर कथा घर घर पुराण आमे नुआ कथा कौन कहबू ता भितरे किंतु तथापि ता भितरे किछि आलोचना रखिबा। सावित्री व्रत कथा अलग आउ सावित्री पुराण कथा मध्य अलग। युधिष्ठिर महाराज पचारि चंती भगवान कृष्ण उत्तर दौचंती हे धर्मराज ये जो शंख हूलहुल बाजुची हूँ महासती सावित्री व्रत प्रत्येक सधवा नारी माने ए व्रत ही करी थांती एवं प्रबाद अच्छी ए व्रत पालन कले इहलोक रे एवं परलोक रे सबु नारी माने सुखी ही थांती। एति पाई तो सबु माँ माने व्रत को ए माने निष्ठा काष्ठार सहित पालन करी थांती ए व्रत। केड़े सुंदर कथार अवतारणा घागरा राज्य एई राज्यर राजा अश्वपति कहुचंती भगवान कृष्ण शुणुचंती पंडु पुत्र धर्मराज प्रथम पांडव युधिष्ठिर हे राजन शुण ए घागरा राज्यर राजा होउचंती अश्वपति इति धार्मिक राजा इति न्यायवंत राजा आज्ञा प्रजा मानंकु पुत्र भलिया पालन करंती। ए बापा मा आपण मानंकु जदि केही पचारे राजा हबो तो का भली आपण माने का ना कहिबे आगे ना राम रजा राम राज्य कारण राम राज्यर शासन आज पर्यंत कौनसी राज्य रे हेनी। न्याय को न्याय विचार अन्याय को दंड ये थला राम राज्यर आउ ये अश्वपति राजा मध्य ठीक से ही भली जहाँ जो दंड दबा कथा से दंड से पाइब आउ जी निर्दोष रे खलास होबा कथा से निर्दोष रे खलास हो कौन से प्रजा मानंकर हारी गुहारी केबे तले पड़िबनी राजा अश्वपतिंकर ये सब जिनिष रे पारंगम किंतु एमिति महल एमिति कोठा एमिति बाड़ी एमिति राजकर्मचारी एमिति राज्य एमिति घर द्वार एमिति सुना रूपा एमिति हाथी घोड़ा एमिति रथ पदाति कौनसी देश रे देखिबा को मिलेनी आज्ञा। अश्वपति पाखरे जहाँ देछि भगवान ए राजा अश्वपति सबुतिरे पारंगम किंतु दिने मन दुखरे राजा अश्वपति बसी जड़े ऋषि जाकि पहुँचिले देख मन दुख आज्ञा कहीं मन दुख अश्वपति कहीं धन संपत्ति अभाव नहीं तो धन संपत्ति अभाव नहीं तो मन दुख केवल नहीं जे कुमार मन दुख तांकर नहीं जे कुमार जननी जननी जय जगत जननी संतान पारिनी मागोपित पावनी संतान पारिनी मागोपित पावनी सबु अच्छी आज्ञा सबु अच्छी राजांकर। ए बापा मा लोक मैंने कौन कहती लोक मैंने कहती भगवान सबू देवे कौटी गोटे के रखिदेवे जो मन दुख थव हौन कि आज्ञा मुझे देखी निजे गोटे लोक धन संपत्ति प्राचुर्य सुना अलंकार घर द्वार कोठा बाड़ी गाड़ी घोड़ा कौतर अभाव ना लोक मैंने कहती ता भाया सुखिया दुनिया रे कई ना
कहीं बाप ताई कोटि कोटि टंका रखिदेकि जाइछि गोटे बोली पु कौन करिवो बांटिले बोहिले जेते जहा गले टंका सरिवार नाही तेणु ताठ सुखी कही नाही सब लोग ये आलोचना करछंती भगवान को चिंताधारा अलग ता स्त्रीटी गर्भवती हला मोटे छोट आखि देखा कथा कौच आज्ञा स्त्रीटी गर्भवती हला दस मास परे पुओटीए जन्म हला किंतु ये छुआटी जन्म हला बेलू मऊस पिंडुला भाया अकर्मण्य जो गड़ेदेवे से गढ़ तारी सेवा करी चली आज पर्यंत दीर्घ पंदर वर्ष से छुआ को बयस है टेका उठा रखा सुआ बसा खिया पिया झाड़ा परिश्रा सब करुची माँ बापा आज्ञा कौटी अभाव देला भगवान सबु भाव केवे देवेनि आज्ञा टिके अभाव कौटी रखिदेवे हाँ आ सबु भाव तो देदेले तुम सुखी हो जीव हाँ शांति तो तुम पाखे पहुँची जीव शांति रूपक धनटा तो भगवान पाखे रखुच्च से काउ दौना मर्त्यपुर जिते मनीष जन्म हम शांति रूपक धन तुम पाइब ना जहाँ को तुम पचार बाबू केमी अच से कह हाँ भाई दुखे कष्ट दुखे सुखे चलती खाली सुखरे कहीं कहे नहीं कि खाली दुखे पचे कहे कहे लोक टा थब आपण मैंने पचार पैसा है ना मुझ भिक मागे चलु पैसा कौट आ घरे शहे भरण चाउल थी मागे जाए भाई रे घरे आज उपास दि को चाउल है कहना मु मो घर पा चाउल ना आज किले चाउल किणिक आनली दोकान रु ते कौ आणिके देवी आज्ञा ये लोकर मनोवृत्ति पुड़ी को पांच पा नदी ए हरी ए बापा माँ माने किंतु राजा अश्वपति सबू थी गोटे जिनस ना से अभाव थिला कौन संतान संतति ना पुओ झी ना इटा भारी कष्टदायक आज्ञा ए राजा अश्वपति चिंता करती मो अंते मो पुओ भली जो प्रजा मान को पालन करुची एम भाग्य कथा किए बुझ एमानक भाग्य भविष्य किए निर्धारण करिवो किए करिवो एमती चिंता करुचंती राजा अश्वपति ठीक एतिकी बेले भगवान करो दूत साजी जणे ऋषि आसिकी पहुंची गले अश्वपतिंक निकटरे साधु असंभव काम को संभव करई पारंती केवल साधु आउ केही नो आ गया आउ केही भी नो है एतिपाई ओडिया भागवत रे गोटिए पद अछि आपण माने सबु जानी चंती आ गया कौन ए देह साधु संग बिनु लभिन परे मोर तनु आहा गोविंद 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 पदुम रुचि मकरंद ए देह साधु संग बिनु लभिन परि मोर तनु ये देह साधु संग बिनु लभिन परि मोर तनु साधु जे मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन गरम पान पड़ी हेले तरीले साधु आज्ञा जो काम करदे कहीं से कम करें साधु जड़े आसिक पहुँचिले साधु को देख राजा साष्टांग प्रणाम कले पाद तले पड़े ओडिया भागवत पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइले आहा गोविंद 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 पदु गलुचि मकरंद पवित्र जल रे पाद धोई कि आसन रे बसाइले साधु चाहिले राजा को मुह कले राजन धन धान्य गोप लक्ष्मी सबु तुमको भगवान देचंती पुत्र सम प्रजा गुड़िए देचंती पद्मिनी जातिया नायिकाटीए स्त्री हिसाब से तुमको देचंती धन धान्य गोप लक्ष्मी प्राचुर्य विभव संपत्ति सुना रूपा हीरा लीला मोती माणिक्य वैडुर्य
ये सबु खंजा है कि अच्छी तुम महल भितर कौतेरे अभाव ना तथापि मन दुख कौन पाई बीरस बदन कहीं कौन है तुमर जितेबले यी पचारि देले राजा कहिले कले हे महर्षि हे मुनि से भागवत भो मुनि सर्वतत्व जान आगम निगम बखान गोविंद 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 पदुक रुचि मकरंद हे मुनि तमें सबु तत्व जानिछ गत आगत भविष्य वर्तमान तमें सबु जानो तुमको मु कौन कहबी तमें तो त्रिकालदर्शी तमें विज्ञ तमें प्राज्ञ मो मुह देखिक बुझी पारुन मो मन दुख कहीं ऋषि कहिले कले बुझुची बुझुची तुम मन दुखर कारण संतानटीए नाहीं तो हाँ महर्षि मो अंते मो राज्य मो प्रजा मानंक कथा बुझिब किए मो संतान नाही बोली से दुख मते भुलेई दउचंती मो प्रजा मंडली हे महर्षि जानिच मु जदि कोउ दिन टिके मन दुख रे राज उद्यान रे बसिथिबी मो प्रजा माने आसी कि मोरी पाखरे पहुंचंती चारिपट बेढ़ी के बसिबे किछि कथा कहू नथिबे मो मन दुख अछि बोली मु जेते बेले प्रजा मानक आड़ी के ओनेइबी मो प्रजा माने मते हाथ जोड़ी केमती ठिया हेबे सबु मु पचारिबी कौन कि रे बापा कहीं ठिया आई छो मो प्रजा माने मते कहंती नाई मणिमा आपण मन दुखरे अछंती तो सेतिबे आमको भल लागिलानी आपण को पाखे पाखे आमे बसीचु एते भल पाइबा मणिमा जदि आपण को संतान नाहंती प्रजा माने कहंती आमे कोन आपण को संतान नुह आपण परीक्षा करंतु कौन से अभाव आम आपणकर करबा को दबुनी आपण को ऊपर विपदर छाई मध्य आम पकेबा को दबुनी पुओ जदि ता बापा को रक्षा करुथाय गोटे पुओ कहीं आज्ञा आम कोटि कोटि प्रजा आपणकर पुत्र आपण पाखे अच्छु छत्ता धरिकी आम बापा को आम रक्षा करिबु आपण मन दुख करंतुनी आपण मन दुख कले आमको भल लागुनी प्रजा माने कहंती हे महर्षि मु जाने मो प्रजा माने मते बहुत भल पांती आ मु मध्य मो प्रजा मानकु बहुत भल पाए हेले हबो कोन ये सबु सिना कथा रे अछि किंतु मु मला परे मते पिंड टिके दब किए देख ए ऋषि जनक सुणु थांती राजा कोन कहउचंती हम श्लोक कोन कहे आ गया चाणक्य कोन कहंती पुत्रार्थे क्रियते भर्ज्या पुत्र पिंड प्रदायक हित प्रयोजन मित्र धन सर्व प्रयोजन पुत्रार्थे क्रियते भार्चिया आमे पुत्र टीए पाइबा पई घर को स्त्री टीए आणंती काहेकि ना पुत्र पिंड प्रदायक पुओ टीए हेले बापा माँ मरीगला परे ताकु पिंड दब पुओर तो काम सेया आ मुख्य काम हैला पुओर तीनटा जो तीनटा काम कले पुओ पणियार परिचय मिले जीवित वाक्य करण मृता हे भूरी भोजन गयांग पिंड दानेन त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता कौन कौन आज्ञा जीवित वाक्य करण बाप माँ बचीला बेले ताको कहिबा कथा को अक्षरे अक्षरे पालन करिवो मृता हे भूरी भोजन बाप माँ मरीजा पर ज्ञाती कुटुंब एवं साई पड़ीसा ग्रामवासी आखपाख अंचल लोक ब्राह्मण देवता एम अतिथि अभ्यागत एम साधु सन्त एम को डाक भूरी भोजन खाइबा को दबो एवं गया यांग पिंड दान गया तीर्थरे जाकि पिंड प्रदान करिवो ये तीनटा काम है जी कला सुपुत्र बोली कहा जाए हे ऋषि हे महर्षि ये तीनटा काम मोर दरकार नहीं और खाली गोटे काम मु मरीजा पर मत पिंड टिके दब किए मु मला बेले मो मुहरे निया टिके दब किए
किए अच्छे मोर दुनिया रे जानी मो प्रजा मंडली अच्छा मत कौन स्थित उणा करें एक मु जाने सब जाने तथापि महर्षि मनटा बुझुनि मनटा दुख ये कहतु ना आपण तो त्रिकालदर्शी सबकि जानते आपण आपण हूँ अंतर्जामी नखदर्पण को चाहदे आप सबकि देखिपारे आप विज्ञ साधु आपण पाद मो घरे पड़ा मो घर पवित्र है एठे राजा कहले हे महात्मा से तो अंतर्जामी करता सारा तीन भुवने गोचर होवाकु किंचित मात्र नखदर्पणे आपण नखदर्पण देखिले सबकि जानिपारे आपण ज्ञानी मुझे बुझेबा को चाहूनी हे ऋषि आपण कहंतु ना मोर संतान टीए केमती हम आउ हाँ अनेक साधु संतों को मु मो दुख कथा कही किंतु केही किछि करि पारि ना मु आशा करूछि आपण किछि ना किछि मो पई करिवे ए बापा मा साधु को मुहरे टिके हस फुटिला राजा अनैले अश्वपति राजा साधु हसिले काही कि ए साधु को मोरे हस काही फुटिला काही हसिले राजा अनै कहिले महात्मा आपण हसिले काही ऋषि कहिले हे राजन तमें बहुत पुराण शास्त्र पढ़ी ना हाँ पुराण शास्त्र रे कौन लेखा अच्छे मन नहीं तमर कौन आज्ञा दशरथ राजांकर नथिला संतान ऋषि डाकी कले परा यज्ञ आयोजन जननी जननी जय जगत जननी संतान पालिनी मागो पतित पावनी ऋषि आसी यज्ञ कले पुत्र कामेष्टित से यज्ञर फल रूपे जात हेला सूत जननी जननी जय जगत जननी मागो पतित पावनी जननी जननी माय जगत जननी संतान पालिनी मागो पतित पावनी ऋषि कहले हे राजा अश्वपति पुराण शास्त्र गीता भागवत तुम देख तुम भली अनेक राजांकर संतान नथिबा सत्वे से माने पुनी संतान पाइले केमिति राजा दशरथ ताकर छुआ पिला थिले कहला ना चिंता कर ऋषि श्रृंग आसिले यज्ञ कले ये यज्ञ रु चरु बाहरिला ये यज्ञर चरु फलरे राजा दशरथंकर चारिटि पुओ हेले ताले तुम पई आमे मध्य पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिबा तुमर जिमति पुओटिया हबो कौन कहुच राजा राजा अनैले कहले सतरे हबो सतरे हबो एटि राजा मने मने आज्ञा बुढ़ी गला लोक जिमति कुटा खियो को भरोसा करे अनेक चेष्टा कला परे परे बयस जेतेबेले चली जिबा को बाहरिलानी से समय रे जणे आसी कि जदी आशा दउचंती जे यज्ञ टिए कर तमर संतान टिए हबो ताले ता आशा को तो ता कथा को स्वागत करिबा कथा एया चिंता करी आज्ञा राजा अश्वपति को मनरे जेमती आलोकर रेखा संचारित होइगला मने मने अश्वपति भाविले एते दिन करे प्रभु कर दया हेला सतरे कान बाप डाक सुने भोला जननी जननी जय जगत जननी संतान पारिनी मागो पतित पावनी मोर राज सिंहासन नुहे अपवित्र नुहे से अपवित्र पुणी नाही तार गाथ जननी जननी जय जगत जननी संतान पालिनी मागो पतित पावनी हरि हरि जननी जय जगत जननी संतान पालिनी मागो पतित पावनी कौन हब ना गोटे पुत्र कामेष्टि यज्ञ हब ऋषि कहले हे राजन
जेते राजांकर पुत्र न होइछि से राजा माने सब यज्ञ करछन्ति एवं यज्ञ जोगु पुत्र संभव हुए। ए माँ बापा माने मु देखुछि आज्ञा आपण मानको अधिकांश गाँव रे बहुत ग्राम मानक रे यज्ञ होउछि ब्राह्मण देवता मानंकु दूररु दूररु डकेकि आणुछन्ति विश्व शांति महायज्ञ गीता यज्ञ गायत्री यज्ञ केते यज्ञ सब करुछन्ति ब्राह्मण देवता मानंकर आहुति चालिथिबो इयाडे मंत्र चालिथिबो से जो ध्वनि वेद मंत्र उच्चारण होउथिबो से जो धुआं उठुथिबो धूम उठुथिबो ता बासना जेते जेते तुमर जहा अशुभ हो था सब गुड़ाक दूरे जीव सब शुभ हो। ऋषि डाकिले हे राजन जदि तुम्हें चाहूच तुमर संतान टीए हो पुत्र कामिष्टि यज्ञ आरंभ कर मु कथा दौची तुम संतान हब। ये साधु कथा शुणी राजा अश्वपति मुहरे हस फुटिला कहला अच्छा यज्ञ कले पुओटी हम ना हाँ हे ऋषि आपण मो यज्ञ करे तो ए माँ देख अश्वपति किए पुओपाई यज्ञ करे पुओ मिल कि मत कहीं लगुनि पुओ मिलला भाया यज्ञ हम पुओपाई किंतु पुओ हम कि कौन हम पुओ मिल कि ना किए जाने ये सब कथा तो ऊपरवाला हाथ में आम हाथ में कौन अच्छी बापा मैने आज आ समय साथ दौनी यज्ञ आरंभ करे राजा आगामी अध्याय यू आलोचना आरंभ करवा। नमस्ते माता सावित्री शक्ति स्वरूपिणी शक्ति स्वाधि सचरित्र जगत जननी 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 जय जगत जननी संतान पालिनी मागु पतित पावनी सुनाई कवे अटु ब्रह्म देही दीन जने दया कर मग महामाई जननी जननी जय जगत जननी संतान पालिनी मागु पतित पावनी संतान पालिनी मागु पतित पावनी गुरु गोविंदाय नमः।